गाइस व्हाट्स अप अनुदया दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनुदया व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अभी तक जिसने मुझे इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पे फॉलो नहीं किया है वो वहां जाके फॉलो करो एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट सो दैट यू वोंट मिस आउट एनी अपकमिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस। अभी तक जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं करें गाइस प्लीज गो एंड वॉच आउट ऑल द वीडियोस क्योंकि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच लव ऑन माई ऑल द वीडियोस। इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना एंड एज आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो कि मैं नेक्स्ट वीडियो एक फ्लाइट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट फ्लाइट बुकिंग इन्फॉर्मेशन पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। सो हियर आई एम। अब गाइस मैंने अपनी फ्लाइट बुक करवाई है दिल्ली टू मेलबर्न। आपकी जहाँ पे यूनिवर्सिटी है आपको वहाँ की अपनी फ्लाइट बुक करवानी है। आई नो कॉमन सेंस की बात है फिर भी आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल। एंड गाइस अब मुझे जाना था जनवरी की एंड में क्योंकि मेरे को एक महीना आराम से लेना था, अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव से मिलना था। बट आई नो टाइम बहुत कम है एंड हर जगह नहीं हो पाएगा, बट मेरे पेरेंट्स एजेंट रिलेटिव्स एवरीबडी प्रेशराइज्ड मी कि जल्दी से जल्दी फ्लाइट बुक करवाओ भाई क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है। आई डोंट नो, मैंने इतना न्यूज़ में नहीं देखा कि 600-700 डेली के केसेस आ रहे हैं केरला साइड, तो कहीं से बैन ना लग जाए इससे पहले अपना जल्दी से निकलो यहाँ से। तो मैंने जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी अपनी फ़्लाइट बुक करवाई है। एंड सो गाइस मैंने जो फ़्लाइट देखी थी वो मैंने 3 डेट्स के बीच में देखी थी। अब मैं वो एग्जैक्टली आपको डेट नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आप सबको सरप्राइज़ दूंगी कि मैं कब जा रही हूँ। अब फॉर एग्जांपल इधर ले लेते हैं कि मैंने अगर मैंने जाना है तो मैंने अपनी 9, 10, 11 को अपनी फ़्लाइट देखी है। तो गाइस मैंने 3 एयरलाइंस सेलेक्ट करी थी, एयर इंडिया, कंतास एंड सिंगापुर एयरलाइंस, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बैगेज अलाउंस दिया जाता है। अब गाइस मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनको 10 kg स्टूडेंट बैगेज अलाउंस होता है, बट अगर आपको वो चाहिए तो आपको किसी भी XYZ वेबसाइट से अपनी फ़्लाइट बुक नहीं करवानी। अब उसके लिए आपको पर्टिकुलरली एयरलाइन की वेबसाइट पे जाना है एंड यू नीड टू इन्फॉर्म दैट यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवलिंग टू मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, जहाँ की भी है आपकी यूनिवर्सिटी, एंड आपको वो एक्स्ट्रा लगेज अलाउंस चाहिए तो वो आपको वो इजीली देंगे। बट अगर आप वो XYZ वेबसाइट से करोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। गाइस मुझे चाहिए था कि मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी हो अपना लगेज लेके जाने की, इसलिए मैंने इन टेयर्स को सेलेक्ट किया कि भाई मेरे पास 40 kg प्लस 7 kg कैबिन बैग का ये हो जाएगा। अब गाइस इन फ्लाइट्स का प्राइस उस टाइम पे 95,000 प्लस था इन तीनों का, ठीक है। बट आज की डेट में इन फ्लाइट्स का मैं आपको प्राइस बताती हूँ। एयर इंडिया का है 1,04,000, कंतास का है 1,08,000 एंड सिंगापुर एयरलाइंस का 1,13,000। अब गाइस इनकी टाइमिंग मैं आपको बताती हूँ। मैंने इन तीनों में से सेलेक्ट की थी एयर इंडिया। देखो जाना तो है ही है, अब वो फ़्लाइट चाहे कम हो या ज़्यादा हो। मेरी बहन के टाइम पर उसकी 16 hour ड्यूरेशन थी फ़्लाइट की, उसका एक लेओवर था एंड उसकी जो टिकट हुई थी वो हुई थी 1,50,000। ये सारी बात है February 2023 की। तो अब जो फिर भी उसके कंपैरिजन मेरे 50,000 कम लग रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि फ्लाइट ले लेती हूँ। तो गाइज जो एयर इंडिया का टाइम था वो है ड्यूरेशन फ़्लाइट की वो है 12 hours 10 minutes, ये डायरेक्ट फ़्लाइट है। अब ये 2:20 दिल्ली से टेक ऑफ करती एंड वहाँ मेलबर्न के 8 आपको वहाँ पहुँचाती। कंतास का टाइम था 6:45 दिल्ली से टेक ऑफ करती एंड 1 मेलबर्न के वहाँ आपको ये पहुँचाती। सिंगापुर एयरलाइंस का टाइम था 9:55 दिल्ली से टेक ऑफ करती एंड 5:45 आप मेलबर्न पहुँच जाते। अब सिंगापुर एयरलाइंस में आपका एक लेओवर आता है वो है सिंगापुरी, ऑल राइट। तो गाइज इन तीनों का मैंने फाइनल कर दिया था एंड सडनली वन ऑफ माई फ्रेंड मैसेज मी कि अगर टिकट बुक करवानी है तो बता देना। मैंने उससे पूछा कि ठीक है भाई तू करवा दे, अब मुझे खुद करनी थी एक ही बात है। तो उसने बोला कि मैं तेरे को बेस्ट फ्लाइट बताता हूँ। अब गाइज ही केम अप विद एन ऑप्शन विच इज़ कैथे पैसिफिक। मैंने इस फ्लाइट के बारे में कम सुना था बट ये हांगकॉन्ग की बेस्ट फ्लाइट मानी जाती है। अब गाइज इस फ्लाइट का ड्यूरेशन था 16 hours विद अ लेओवर इन हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग में इसका 2 hours का लेओवर है एंड ये दिल्ली से सुबह के 1:30 टेक ऑफ होगी एंड आपको मेलबर्न में 11 पहुँच जाएगी। लाइन मैंने क्यों चूज़ करी, क्योंकि इसमें मुझे बैगेज अलाउंस मिल रहा था 46 kg प्लस 7 kg कैबिन बैग।
गैस 46 मेरे को किसी भी फ्लाइट में नहीं मिलता, किसी भी फ्लाइट में, इसलिए मैंने ये चूज़ करी। मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बोलूँगी, स्पेशली गर्ल्स, अगर आपका कोई मेलबर्न में या ऑस्ट्रेलिया में कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, फैमिली है, तो आप किसी भी टाइम की अपनी फ्लाइट बुक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका उधर कोई फ्रेंड फैमिली एंड कोई कुछ भी नहीं, आपको यूनि लेने आ रही है, आपने अगर अपना एयरबीएनबी चूज़ किया है, तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ रात वाली फ़्लाइट मत लेना, कि आप वहाँ पे रात को पहुँच रहे हो, आपके रात को फ़्लाइट लैंड हो रही है, जैसे कि मेरी हो रही है, क्योंकि गाइस आप किसी स्ट्रेंज कंट्री में जा रहे हो, टोटली स्ट्रेंज कंट्री में जा रहे हो, एंड ये किसी के लिए भी सेफ़ नहीं होगा कि आपका फर्स्ट डे आपका कोई नुकसान हो सकता है ना भी हो, बट गाइस मैं यही सजेस्ट करूँगी, बॉयज़ के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, बट गर्ल्स प्लीज़ ध्यान रखना कि आप दिन की फ़्लाइट चूज़ करो अगर आपको उधर कोई भी नहीं है। अब लाइक मेरी फैमिली है उधर, इसलिए मैं किसी भी टाइम जा रही हूँ, वो मुझे आगे मिलेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, इसलिए मैंने ये चूज़ करी है। एंड बैगेज अलाउंस इसमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए कैथे पैसिफिक, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये फ़्लाइट मुझे 80,000 में मिल रही है, सबसे ज़्यादा बैगेज अलाउंस मिल रहा है। 16 आवर्स में मैं पहुँच रही हूँ विद अ लेओवर, एंड 80,000 मतलब 79,500 में मेरी ये फ़्लाइट बुक हो चुकी है। तो गाइस कोई भी फ़्लाइट बुक करने से पहले उसकी डिटेल अच्छे से चेक करना, सबसे ज़रूरी नहीं है सबसे महंगी करवाओ, ज़रूरी नहीं है सबसे बेस्ट करवाओ, जिसमें आप अपने थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हो, जिसमें टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो, वो वाली फ़्लाइट बुक करवाना। बाकी इसका ज़रूर ध्यान रखना कि फ़्लाइट बुक करवाते टाइम अपनी मील्स का आपको पहले ही उनको बताना होता है कि आपको वेज मील चाहिए, नॉन वेज मील चाहिए। मेरी बहन के साथ क्या हुआ था, उसकी एजेंट ने करवाई थी उसकी फ़्लाइट बुक, एंड उसका उसमें मील ऑर्डर नहीं था। अब 16 घंटे वो फ़्लाइट में भूखी कैसे रहेगी, वो तो उसके साइड वाले भैया अच्छे थे कि उन्होंने उसके साथ खाना शेयर किया, वरना एयरलाइंस वालों ने क्लियरली मना कर दिया था, एडवांस में बुकिंग नहीं करी एंड अब हम आपको नहीं दे सकते। सो गाइस जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है उनके साथ प्रॉब्लम हो, इसलिए बेटर मेरी ये वीडियो देखो एंड इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखो कि आपकी जो मील है, आपकी जो डिमांड है, वो पहले ही आपको एयरलाइन में बतानी है। आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरी वन, आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन, एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट लेफ्ट देन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक द वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।